फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आप सभी बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप सभी के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आप सभी को यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारी अपडेट मिलेगी, वो भी आप सभी के एडमिशन और रिजल्ट से रिलेटेड। अगर आप सभी मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब भी कर लें, आगे से कोई नोटिफिकेशन है तो आप सभी को सबसे पहले मिले। तो आज की वीडियो में बात करेंगे, 22 से 25 सेशन के छात्र की मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है जो भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो मुजफ्फरपुर में है। तो इसके लिए बात करेंगे कैसे आप सभी मेरिट लिस्ट चेक करेंगे और कब से कब आप सभी एडमिशन लेंगे अपने कॉलेज में जाकर। अगर आप सभी को मेरिट लिस्ट पर नाम आ गई है तो आप सभी चेक कर सकते हैं ऑफिशियली वेबसाइट पर, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आप सभी को यूनिवर्सिटी की तरफ से सभी को मेल भी भेज दी गई है, आप सभी उस कॉलेज में जाकर एडमिशन लेनी होगी। अगर आप सभी को फर्स्ट लिस्ट में नाम आ गया है तो आप सभी उस कॉलेज में जाकर एडमिशन जरूर ले लें, नहीं तो आप सभी को सेकेंड थर्ड में नाम नहीं आएगी। लास्ट में आप सभी को स्पॉट एडमिशन दी जाएगी, उसमें आप सभी को एडमिशन लेनी होगी। जो कॉलेजों की मन चाहे पैसे डिमांड की जाती है तो आप सभी उससे बचना चाहते हैं तो आप सभी फर्स्ट लिस्ट में जिस कॉलेज में नाम आई उस कॉलेज में जाकर एडमिशन ले लें, नहीं तो आप सभी को सेकेंड थर्ड में नाम नहीं आएगी। ये फिक्स है, वो भी आप सभी को अप्लीकेशन आई डी रद्द भी कर दी जाएगी। तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं इस बार कितने छात्र आवेदन किए थे ग्रेजुएशन में। तो 146,000 छात्र आवेदन किए थे, उनमें से कितने के नाम दी गई है फर्स्ट मेरिट लिस्ट में। तो 90,000 छात्र की मेरिट लिस्ट में नाम दे दी गई है फर्स्ट में। अब बात की जाए तो आपसे वो कट ऑफ क्या रखी गई है इस बार आप सभी को। तो गणित के छात्र के लिए जो मैथ बोलते हैं इंग्लिश में, तो मैथ की स्टूडेंट की 90 से अधिक कट ऑफ रखी गई है। वहीं हिस्ट्री की बात की जाए तो हिस्ट्री सब्जेक्ट में कट ऑफ क्या रखी गई है, तो 87 से अधिक आप सभी कट ऑफ रखी गई है हिस्ट्री सब्जेक्ट में। उसी तरह सारी सब्जेक्ट की कट ऑफ हाई ही है। उसके बाद आप सभी को कट ऑफ में नाम आ गए तो आप सभी एडमिशन ले लें। अब बात करते हैं आप सभी को कौन कौन सी डॉक्यूमेंट लगेंगे एडमिशन लेते समय। इस पर मैं सेपरेट वीडियो बना रखा हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो को जरूर देखें, नहीं तो आप सभी को एडमिशन लेते समय बहुत सारी परेशानी झेलनी होगी। कौन कौन सी डॉक्यूमेंट लगेगी सारी इन्फॉर्मेशन उस वीडियो में मैं बता दिया हूँ। अब बात करते हैं आप सभी को एडमिशन लेते समय कितनी पेमेंट ली जाएगी काउंटर पर। तो आर्ट्स कॉमर्स के स्टूडेंट को 3,000 रुपये रखी गई है, जो विश्वविद्यालय के मुताबिक ये अपडेट निकल कर आ रही है। और इससे अगर अधिक ली जाती है किसी भी कॉलेज में तो विश्वविद्यालय की तरफ से कार्रवाई की जाएगी उन सभी कॉलेज पर। अगर आप सभी साइंस के स्टूडेंट होंगे तो 3200 रुपये लगेंगे एडमिशन चार्ज, उससे अधिक कोई भी कॉलेज चार्ज नहीं ले सकते हैं। अगर इससे अधिक लेंगे तो उन पर कार्रवाई की जाएगी विश्वविद्यालय की तरफ से। तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं स्क्रीन पर कैसे आप सभी को मेरिट लिस्ट चेक करनी है और ऑफिशियली निकल कर आ रही है। हेलो फ्रेंड्स, अभी मैंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर मैंने चलाया है। मैंने आप सभी को यहां से आनी है, टीडीसी एडमिशन फर्स्ट मेरिट लिस्ट दी गई है 22 से 25 सेशन की, जो आप सभी को एडमिशन डेट भी दे दी गई है, जो 16 अगस्त से लेकर 25 अगस्त के बीच में आप सभी को एडमिशन लेनी होगी। अगर जिस सब्जेक्ट से होंगे उस सब्जेक्ट को चेक करी जाए। तो बात की जाए तो पहले आप सभी को मैथ की मेरिट लिस्ट देखी जाए तो एप्लीकेशन नंबर डालनी है, सर्च बॉक्स में आप सभी चेक कर सकते हैं, नहीं तो आप सभी कंडक्ट नेम फिलअप करके आप सभी चेक कर सकते हैं। जो आप सभी को यहाँ की बात की जाए तो 80 पेज की पीडीएफ है, जो मैथ ऑनर्स के स्टूडेंट के लिए जो दे दी गई है। उसके बाद बात की जाए हिस्ट्री की, जो हिस्ट्री दे दी गई है, जो बीए बीएससी बीकॉम अगर करना चाहते हैं, जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट दी गई है, जो बीसी ईबीसी कैटेगरी बाहर देगी, एप्लीकेशन नंबर डालकर आप सभी सर्च कर सकते हैं आपकी नाम है या नहीं मेरिट लिस्ट में, या आप सभी को स्पष्ट लिख दी गई है। उसके बाद आप सभी सेलेक्टेड कैंडिडेट हैज द सबमिट सपोर्टिंग द डॉक्यूमेंट कॉलेज, आप सभी कॉलेज से जाकर संपर्क करें, वहाँ अपनी डॉक्यूमेंट को सबमिट कराकर अपनी एडमिशन करा लें, नहीं तो आप सभी का एडमिशन रद्द हो जाएगी, सेकेंड और थर्ड नाम आने की चांसेस कम बनती है। तो हिस्ट्री के लिए आप सभी को 781 पेज की पीडीएफ है, आप सभी को इसे डाउनलोड करनी होगी। इसका मैं लिंक दे दूंगा, आप सभी अपना अपना चेक कर लेंगे। अगर आप सभी को चेक करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई जरूर दूंगा आप सभी को। अगर आप सभी को मेरिट लिस्ट चेक करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं, कमेंट के माध्यम से मैं आप सभी को रिप्लाई जरूर दूंगा, नहीं तो आप सभी को उस पर एक सेपरेट वीडियो जरूर बना दूंगा। तो आप सभी को वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी हर दिन की छोटी बड़ी अपडेट उनको मिलती रहेगी। अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें
ताकि हर दिन की छोटी बड़ी अपडेट आप सभी को दिखने को मिलेगी इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।